तो भाव लोग आज बात करेंगे ये जो नल नल पूरे यूनिवर्स में गूंज रहा है। खैर स्टार्टिंग में ही बता दूं, ये बंदा यूनिवर्स का बाप है, यानी जब यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करती थी, स्टार भी नहीं थे, इट मींस ये कि बिग बैंग थ्योरी से पहले ये बंदा एग्जिस्ट करता है। बिलियंस ईयर बुढ़ा है, तो इसे दादा परदादा जो मन चाहे वो कहो, चॉइस इज योर। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि जो नल है वो कैसे क्लिंटार में कैद हुआ है। आज बात करेंगे कि नल वेनम के पीछे क्यों है, और जो हमने एक मिस्टीरियस क्रिएचर देखा मूवी के ट्रेलर में, जिसे काफी लोग नल का क्रिएटिव ड्रैगन ही मान रहे हैं, इसका क्या रोल होने वाला है, चलो बात करते हैं। तो बाबा नल को अब मूवी में क्या रोल हो सकता है और वेनम के पीछे आखिर क्यों पड़ा है, जबकि हम ये जानते हैं कि नल वेनम से कहीं ज्यादा पावरफुल सिंबियोट बना सकता है क्योंकि वो गॉड ऑफ सिंबियोट है। तो बाबा कॉमिक की मदद लेंगे किंग इन ब्लैक, जिससे सारी गुत्थी सुलझाएंगे। एज वी नो दैट नल को उसी के सिंबियोट ने कैद कर रखा है, और उस जगह यानी उस प्लेनेट का नाम क्लिंटार है, जो काफी लंबे समय से कैद है, लेकिन अब उसे होना है आजाद, और वो काफी लंबे समय से कोशिश भी कर रहा है। इसी बीच कोई ना कोई वो रास्ता भी ढूंढ रहा है, और उसके जो ड्रैगन हैं वो जगह जगह घूम रहे हैं, जिसमें से एक अर्थ में भी आता है, और देन वेनम और माइल्स मोरालेस यानी ब्लैक स्पाइडरमैन एक साथ जाके लड़ते हैं उस ड्रैगन से, तो वो ड्रैगन इन दोनों को ही खा जाता है, और अंदर जाके एक आवाज सुनाई देती है अपने वेनम भाई को कि गॉड इज कमिंग, जो उसने पहले भी एक दो बार सुन चुकी थी, और तभी उसकी मुलाकात नल से होती है, जो माइल्स मोरालेस का सर हाथ में पकड़े होता है और बोलता है कि चाइल्ड ये तुम्हारे साथ है। देन उसके बाद कुछ देर बाद वेनम और नल की बात होती है, जिसमें नल अपनी पूरी गाथा अपनी पूरी कहानी बताता है कि कैसे मुझे कैद किया गया है, एंड ऑल हिस्ट्री उसका एग्जिस्टेंस, सेलेस्टियल से लड़ाई और भी बहुत कुछ। देन उसके बाद उसने बताया कि तुम लोगों को मैंने कैसे बनाया, तुम सब मेरी ही क्रिएशन हो और मेरे ही बच्चे हो, और अब मेरे ही बच्चों ने मुझे कैद कर रखा है। इस बीच जो माइल्स मोरालेस ड्रैगन से लड़ते वक्त अनकॉन्शियस हो चुका था, होश में आते ही वेनम को नल की गिरफ्त से बाहर लाता है, और वो दोनों ड्रैगन का पेट फाड़ कर बाहर आते हैं और वहां से भाग निकलने में सफल होते हैं। इतने में वेनम को पता चल चुका था कि नल का जो ये क्रिएचर है यहाँ क्यों आया है, और भला नल यहाँ वहां क्यों भटकना चाहता है, क्योंकि नल को वेनम जैसे एवोल्यूटेड एंड पावरफुल सिम्बियोट की जरूरत है ताकि वो क्लिंटार से आजाद हो सके। और जिससे वेनम ने बात करी ड्रैगन के पेट में, वो खुद नल नहीं था, वो उसका एक प्रोजेक्शन था जो बाहर स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहा है नल को क्लिंटार से बाहर निकालने के लिए, और वो प्रोजेक्शन वेनम को कंज्यूम करने आया है उसकी स्ट्रेंथ को लेने। अच्छा, इतने में तुम्हारे सर में बात घूम रही होगी कि जब सारे सिम्बियोट ने उसे कैद कर रखा है तो भला ये सिम्बियोट उसे मार क्यों नहीं दे रहे। नहीं मार सकते, क्योंकि सारे सिम्बियोट नल से कनेक्ट हैं, यानी उसके हाइव माइंड से, तो जो मेकर ही मर जाएगा तो उसकी क्रिएशन भी मर जाएगी, और यही हाइव माइंड का लोचा वेनम ने एक्वायर कर लिया था, जिससे वो नेक्स्ट टाइम उस ड्रैगन को मारने जाता है तो उससे कम्युनिकेट करता है और उसे बुलाता है। लेकिन इस बार वेनम काफी एडवांस वेपन्स और अपने ही जैसे एक और ओल्ड सिम्बियोट को कोलैप करके ले गया अपनी स्ट्रेंथ डबल करके, क्योंकि इस ड्रैगन की जो खबर होती है वो इसी ओल्ड सिम्बियोट ने दी थी इसे, और वेनम में ही वो कैपेसिटी है पावर है जो इसे मार सकता है। और जब दोबारा उस ड्रैगन से भिड़े तो वेनम उस ड्रैगन को मार देता है, और तभी नल का प्रोजेक्शन बाहर आता है और उससे भी वेनम पूरी ताकत लगाकर लड़ता है, लेकिन नल का प्रोजेक्शन उसे हराकर वेनम को कंज्यूम करने लगा था। तभी पता चलता है कि ये वेनम की चाल थी उस प्रोजेक्शन के करीब जाने की, ताकि वो उसमें बॉम्ब फिट कर सके वगैरह वगैरह जो उसके एडवांस वेपन्स थे, और उसे बिग ब्लास्ट से मार पाए। तभी एक एक्सप्लोजन होता है, बिग एक्सप्लोजन, और नल का प्रोजेक्शन काफी कमजोर हो जाता है। इतने में वेनम और ओल्ड सिम्बियोट फ्रेंड मिलकर नल के प्रोजेक्शन को बड़ी आग में जला देते हैं, जिसके तहत वेनम भी काफी हद तक झुलस चुका था और अधमरा हो चुका था। तो बाबा सिर्फ एक नल के प्रोजेक्शन को हराने के लिए वेनम अधमरा हो चुका था, तो फिर जब साक्षात नल से पंगा होगा तो फिर ये कैसे सर्वाइव करेगा। खैर नल भी मारा जाएगा, लेकिन कैसे वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये थी गाथा जो हमें ट्रेलर में वो मिस्टीरियस क्रिएचर देखने को मिला, शायद उसका ये रोल यहाँ पर हो सकता है, और एट लास्ट हमें ये सारा पंगा शायद देखने को मिल सकता है, और एट लास्ट हमें वेनम का ही प्रोजेक्शन शायद देखने को मिल जाए, सॉरी नल का ही प्रोजेक्शन हमें शायद देखने को मिल जाए वेनम द लास्ट डांस, मतलब वेनम 3 में। तो देखते बाबा मूवी में हमें और क्या मिल सकता है। बाकी कॉमिक के हिसाब से ये थी बातें जो थोड़ा थोड़ा मैचअप भी कर रही हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना, और ऐसी ही बातें यहाँ पर चलती रहती हैं। लॉर्ड ऑफ द रिंग से रिलेटेड भी बातें चल रही हैं, देन उसके बाद गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स से तो रिलेटेड बातें चल रही हैं। तो चैनल विजिट करो अगर इंटरेस्टेड हो तो, बाकी नए हो तो जुड़े रहो, आगे बहुत सी ऐसी गुत्थियाँ सुलझानी बाकी हैं, मिलकर काम करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो पर, यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।